सबको, अपने रिश्तेदार जो आसपास अवेलेबल हों उनको इकट्ठा कर सकते हैं तो कर लीजिए, और उनके साथ में बैठकर यदि हम क्राइम फ्री भारत के वीडियो सुने, चर्चा करें, संकल्प लें, शपथ लें, तो बिना खर्च किए हुए हम वर्तमान राजनेताओं को भी मजबूत कर पाएंगे, बेबस कर पाएंगे, और यदि वो नहीं मानते हैं तो अगले चुनाव में हम अपने चंद्रगुप्तों के माध्यम से जिस काम की प्रार्थना हम उनसे कर रहे हैं उसे हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर कर पाएंगे। तो बताइए ये समग्र समाधान है कि नहीं है। और रही बात परेशानियों अंतिम रही बात परेशानियों की, तो जब आप इस जुड़ाव के काम में अपनी थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे तो आपको संबल मिलेगा, उन्हीं परिस्थितियों में आपको एक आशा बंधेगी, तो उन परिस्थितियों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। क्या ये बात आप मानते हैं? सही है, मान रहे हैं इस बात को। मतलब उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में जिसमें उसका जीवन निर्वाह मुश्किल हो रहा है, वो बीमारियों से जूझ रहा है, उसी माहौल में जूझते जूझते भी यदि वो इस प्रक्रिया में भी जुड़ा हुआ है और अपना 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे इसमें भी लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसे अपनी आज की विपरीत परिस्थितियों में लड़ने में भी थोड़ा सा सपोर्ट और सकारात्मकता मिलेगी। मिलेगी उसमें तो स्वास्थ्य की पीड़ा। तो सर मैंने इसलिए कहा कि दो चार केस पे मैं स्वयं इन्वॉल्व होकर के उन लोगों की मैंने मदद की जो इतने गरीब थे, कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, जो भयंकर बीमारी है, और एक गरीब तबके के जिसका जीवन यापन यानी 2 जून की रोटी भी जिसको सही तरीके से नसीब ना हो, और ऐसे लोगों को ये बीमारी अपने घेरे में ले ले तो उनकी स्थिति क्या होगी। तो मदद की तो वो पीड़ा है आज मेरे दिमाग में आई, तब है मैंने उस बात का जिक्र कर दिया कि यहाँ से लेके महामहिम राजपाल महोदय तक जो है लेकिन मैंने एप्लीकेशन डाली थी। आत्माराम जी, मेरा आपसे निवेदन ये है, यदि जी हमने अपना इकोसिस्टम नहीं बदला तो कैंसर तो हर किसी को होने वाला है, क्योंकि वो कैंसर एक कैंसर तो हम झेल ही रहे हैं, आपके ये भी आप झेल रहे हैं आपके सामाजिक कैंसर। आपके फूड चेन में नहीं, हम तो फिजिकल कैंसर की बात कर रहे हैं। जी हम ये कह रहे हैं कि आपकी फूड चेन विषाक्त हो गई है, आपकी जलवायु विषाक्त हो गई है, बिल्कुल सर। आपका पानी विषाक्त हो गया है, तो आप कैसे बचेंगे? सूनर और लेटर आप जो है ना कैंसर या किसी अन्य घातक बीमारी के चपेट में आना लगभग तय है। और जब हमारे अधिकांश लोगों के पास वित्तीय साधन नहीं होंगे तब ये 5 लाख का जो बीमा है जिसका लाभ जी लोगों को नहीं मिल पा रहा है वो और भी पूरी तरह से अपर्याप्त हो जाएगा। सही, बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम अपने स्वार्थ के लिए समय रहते ये छोटा सा प्रयास करने में इतने निष्क्रिय क्यों हैं? आज इस व्यवस्था से 15,000 लोग जुड़े हुए हैं, यदि वही अपने संकल्प को पूरा करें तो आज हम 1.5 लाख हो जाएंगे, और ये 1.5 लाख लोग यदि दूसरे दिन अपने 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा कर लेंगे तो हम दूसरे दिन 15 लाख हो जाएंगे, और तीसरे दिन 1.5 करोड़, चौथे दिन 15 करोड़, और पांचवें दिन हम 100 करोड़ को पार कर जाएंगे। 5 दिन का छोटा समय होता है, क्या हम अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए इतना भी नहीं कर सकते? जब हम अपने स्वार्थ के लिए इतना काम नहीं कर सकते हैं तो जो राजनेता आपके वोट को दारू, साड़ी और शराब के माध्यम से खरीद कर बने हैं और वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी व्हिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, वो आपका स्वार्थ और आपका हित क्यों साधेंगे? सही, हाँ, तो एक मजबूर प्राणी वो पहले अपनी ही व्यवस्था देखेगा क्योंकि वो मजबूर है। मैं यही कह रहा हूं कि आओ हम लोग जो है इस संदेश को पहुंचाएं, और जो कर रहे हैं उसे करते रहें। हम किसी का सोच और चिंतन नहीं बदल रहे हैं, अंधभक्ति नहीं बदल रहे हैं,
आप किस पार्टी से जुड़े हैं उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, आप किस सामाजिक और धार्मिक संगठन से जुड़े हैं उसमें बदलाव नहीं कर रहे हैं, आप जो भी समाज की भलाई के लिए